मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है, मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत कर इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। तो गीता ज्ञानदाता भी इसी बात पर कहता है कि इस मन को रोकना तो अर्जुन वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में पूरा जो है स्पीड खींच रहा है, इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्वरम से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं, 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्परम से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। सातवें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्र का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है और वो तीसरे नंबर का प्रभु है। अब हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सर्वब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान, जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष से, सर्वपुरुष कहो सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है, और परमात्मा इति उदाहरते हैं, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो जिस लोक में हम रह रहे हैं क्या ये परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। ये सतलोक है वो स्थान जहाँ परमात्मा का अपना स्थान है, ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे कोई नागरिक स्त्री या पुरुष, हद से ज़्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे,
उनको ऐसी सजा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया करते। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से हजारों किलोमीटर दूरी पर, तो उसको वहाँ पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहाँ पर, वो पुनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहाँ ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहाँ घास फूस उनको मिलता था वहाँ खाओ, ना कोई न्याय था वहाँ पर। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हों वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पुनिशमेंट प्लेस था, वहाँ सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहाँ से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना तो गदर मचा हुआ था, तगड़ा है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है चाहे किसी के साथ कितना बुरा हल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए, ना तो सिर फूटो, ओले ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान ही है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहां कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा, तो यह गलती करता क्यों है, हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने, हमारा यह शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट यह मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है। और फिर सजा आत्मा पाती है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, तो प्रसंग जो चल रहा है इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसकी इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहां हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी, हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं। संत लैंग्वेज में परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया, जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती और वहाँ कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है,
अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहता था अब प्रारंभ कर पाऊंगा। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि तीनों प्रभु, तीन प्रभुता मानना करते, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एकादा कहता था कि कोई ब्रह्म है, ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमरवाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष इनसे हटकर, वास्तव में तीन पुरुष कौन है, सर्वपुरुष, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दूसरा अक्षर पुरुष जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है। सात संख, नील पदम संख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख यानी इंक्लूडिंग सर्वपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब सबके ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु।